फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सबसे पहली बात तो बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। और अभी जस्ट मैं ड्यूटी से आई थी और ड्यूटी से आने के बाद में मैं कर रही थी सफाई। एक्चुअली ना हमारे घर के जस्ट पास वाली बिल्डिंग में ना काम चल रहा है, मतलब वो बिल्डिंग पूरी तोड़ के नई बिल्डिंग बना रहे हैं। तो कुछ ना कुछ विंडो से या बालकनी हमारी खुल रही थी तो मिट्टी आई जाती है, और मिट्टी बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। और मुझे बताने की थोड़ी सी मिट्टी देख के बहुत अजीब सा ही लगता है, क्योंकि बाहर हमारे पास वाली राइट लेफ्ट दोनों बिल्डिंगों में काम चल रहा है, सामने वाली बिल्डिंग में भी काम चल रहा है, जिसमें कई बार वीडियो में बताती रहती हूँ आपको। जैसे मेरे को ऐसा लगता है मैं किसी कॉलोनी में नहीं, मैं कहीं ऐसा रहती हूँ कारखाने में रहती हूँ, इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है। तो बस मैं ड्यूटी से आई थी, मैंने चेंज वेंज किया, थोड़ी सी चाय वाय पी थी, और उसके बाद में मैं लग गई थी सफाई में। और यहाँ सिमरन गई थी, इवनिंग ड्यूटी थी, मैंने सोचा मैं अकेली भी बैठ के क्या करूँ, रोज आके फोन चलाना भी अच्छी बात नहीं होती है, थोड़ी सफाई कर लेनी चाहिए। और मैं अपनी मम्मी को अगर बताती तो मम्मी बोलती थी ना घर में तो कभी इतना काम नहीं करती, तो वहाँ कैसे कर लेगी, थोड़ा घर में भी कर लिया कर। पर मैं उनको बोलती वहाँ पे तो तुम लोग बहुत लोग हो ना काम करने के लिए, इसलिए मैं काम नहीं करती हूँ, बट यहाँ पे तो मुझे पता है कि मेरा सारा काम मुझे ही करना है। तो जैसे कि देख सकते हो, एकदम साफ कर दिया मैंने सारा कुछ, हटा के इनको बुक्स वगैरह जो भी मेरा मेकअप का सामान, वैसे तो मैं रखती नहीं हूँ, सारा कुछ बॉक्स में ही रखती हूँ। और यहाँ मेरी इतनी सारी चप्पल पड़ी थी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, और देखो सारे बॉक्स वगैरह भी उतर उतर हो रहे थे, मैंने सबको एक एक को निकाला, सब कुछ सब लोगों को साफ किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती ना, फिर वो कभी ऐसा होता है ना अर्जेंट में हमें चप्पल भी पहननी है तो उसमें मिट्टी लगी रहती है। मेरी, मैं तो इतनी ज़्यादा आलसी हूँ इस मामले में कि मैं ऐसे मिट्टी वाली पहन के चले जाती हूँ, लेकिन उनको साफ नहीं किया जाता। तो मैंने ये सारा कबाड़ा कुबड़ा साफ किया, और मुझे इतनी लिटरली इतनी खुशी हो रही थी ना, फिर ये सारा काम किया। और उसके बाद में मैंने बनाई थी ग्रीन टी, और मैंने सोचा क्यों ना ग्रीन टी पीने, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था बारिश वाला, तो भाई पर लेकिन है ना मैंने पहले नहाया, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो सफाई करते करते वही ना गर्मी में होती, तो मैंने बस नहा के आई, जितनी बारिश आई गई थी तो बस मैं बारिश का मज़ा ले रही थी और नहाई। और उसके बाद मैं दोबारा नहा ली थी पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और उसके बाद में हमने बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि और कुछ खाने का मन कर नहीं रहा था, और बारिश का मौसम और आलू के पराठे तो किसको नहीं अच्छे लगते, तो बस हमने आलू के पराठे ने, लेकिन उसमें भी एक लॉजिक है, हमने पता बना के रख लिए थे कि हमने जब खाने होंगे तभी हाथों हाथ सेकेंगे, क्योंकि ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते। तो बस खाया पिया, और उसके बाद मैं लेट भी हो गए थे, मैंने कुछ शूट नहीं किया और हम सो गए थे। और ये हो गई अगले दिन सुबह, और आज था संडे, तो बस वही उठी मैं सुबह सुबह, मेरा पेट कर रहा था बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने का मन, तो मैंने गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाई जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी, और उसके साथ में भुजिया जो तो मुझे वो बहुत ही पसंद है, मैंने देखा होगा आपने, मैं खाने के साथ में मोस्टली भुजिया खाती हूँ। और बाहर देखा तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था, मेरा मन कर रहा था कहीं घूमने जाऊँ, लेकिन अकेले मेरा कुछ नहीं कर रहा था, सिमरन की छुट्टी, और अब शायद सिमरन अब दिन में आएगी, तो हम सब बैठे थे और मैं हो रही थी बोर, वो आ ही गई थी सिमरन भी, लेकिन मन लग नहीं रहा था और कहीं जाने का बिल्कुल भी मूड था नहीं, तो बस वही कपड़े वपड़े धो रही थी और सब उठा रहे थे। तो काम भी करती है तो तुझे आज पता लगा कीड़े लग गए, कीड़े कब से लग गए, कीड़े लग के सूख भी गए पौधे, दिख नहीं रहे तुझे। अच्छा एक बात बता, अभी सूखे हुए पौधे में अगर तू पानी डाल के क्या साबित करना चाहती है इस पे, ये देख तू लगा लेना, तू लगा ले प्रोडक्टिव, टमाटर कितने महंगे हैं, आज टमाटर लगाए होते हैं, ठीक है। रिच बन जाते हैं हम, रिच हाँ बन जाते हैं, हम बहुत रिच बन जाते हैं भाई, जिंदगी में किसका दुख है, टमाटर का कि सैलरी में है इसका, कोई बात नहीं भी आएगी सैलरी भी आएगी। छोरी सारे दिन फोन पे बात करती है, पता नहीं किससे बात करती है भाई, ये कीड़े घूम रहे अब तो नहीं सारा। किसे तुझे रोस्ट करूँ क्या, मेरी जिंदगी में एक तू ही है रोस्ट करने के लिए, नहीं यार, जिस जगह पे काम करते हैं उस जगह को कभी रोस्ट नहीं करना चाहिए, वो हमारी रोजी रोटी है ना। बेशक सिमरन की सैलरी नहीं आई है, लेकिन है तो रोजी रोटी ना पागल। अभी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैंने सारा वीडियो बनाया और हुआ ही नहीं रिकॉर्ड। बहुत दुख होता है ऐसे, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ मेरे साथ में क्या घटना हुई है ना, क्या फर्क पड़ता है, इतनी देर हमारे पास गैस नहीं थी, कल से गैस नहीं है ना हमारे पास, परसों से हमारे पास गैस नहीं है, पंखा बंद करना यार, आवाज नहीं आती फिर मेरे फोन में, एक स्पीकर तो गिफ्ट कर दे, इतने स्पीकर पड़े हैं और कितने स्पीकर चाहिए, फोन वाला स्पीकर, दो दिन तीन दिन से हमारे पास गैस नहीं थी, आज फाइनली हमारी गैस आई, तो अब हमारे खाना बनाने के लिए हमारे पास में टमाटर नहीं है,
और टमाटर के बिना किसी चीज की शुरुआत नहीं होती ना। अगर कोई टमाटर की खेती या रेडी लगा रहा है तो सिमरन से कांटेक्ट करें, बिकॉज़ एवरीथिंग नीड्स टमाटर, व्हाटएवर इट चिकन, सब कुछ ही महंगा, आलू भी महंगे मतलब दुनिया में। मीठे आलू आ रहे हैं तो हम देखते हैं अब क्या बनाते हैं। टमाटर खरीद ले। हम लोग किससे बात करें, स्नैपचैट पे और क्या है? बढ़िया जवाब दे रही, पैसे मांग रहे दे नहीं रही, जवाब बढ़िया दे रही। हम कैसे बैठे हैं ना देख, क्या करें, कुछ नहीं करने के लिए हमारे पास। ये भगवान इन एनी वे आई कैन, नो थैंक्स। बोल पैसे भेज। इसको बोल भेज पैसे, जबरदस्ती बोल इसको पैसे भेज। कहीं सुन बट आई कांट सेंड यू एनी मनी, इज देयर एनीथिंग एल्स? फिर ये मुझे पता क्या बोलती है, मैं आपको पैसे कमाने के तरीके बता देती हूँ। ये तो इतने, ये किसको भेजती है सिमरन? क्या ये सर पता नहीं आए रहते हैं, किसको भेजती है तू इतने रोने वाले? तेरी मम्मी को बोलूंगे। आंटी आप अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो तो संभालो अपनी लड़की को, देख रहे हो? मेरी माँ कहेगी हमारी लड़की सब रिश्ता करवा दो, शादी करवाओ। तू गाना गाए कर, उस पर रील बना, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। और मैं कौन सा गाऊं? इट्स ट्रिक राइट। और फिर हम लोग चले थे कुछ सब्जी वगैरह लेने, क्योंकि घर में कुछ भी सब्जी नहीं थी, क्योंकि हमारा गैस वगैरह भी खत्म हो रखा था 2 दिन से, और यहाँ पे बताइए गुड़गांव में कर्फ्यू वर्फ्यू भी चल रहा है, और संडे के दिन वैसे भी गैस आती नहीं है। तो उस चीज़ का माय गॉड, सब्जी इतनी ज़्यादा महंगी, मतलब टमाटर के भाव तो सुन के ना मेरे होश उड़ गया। पता है मेरे को ऐसा लग रहा है जितना महंगा टमाटर, अगर मैं डेली पनीर भी खाऊँ ना, पनीर भी इतना महंगा नहीं होता। एक टाइम ऐसा रहता है पनीर शायद बहुत महंगा होता है, लेकिन पनीर लिटरली इन सब्जियों से ज़्यादा सस्ता है। ये भिंडी में 40 रुपये की पाव भिंडी लेके आई थी, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा महंगी सब्जियाँ हो रही है, शायद बारिश के कारण हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा महंगी सब्जी हो रही। तो बस हम तो थोड़ी थोड़ी जितनी सब्जी हमें चाहिए थी उतनी लाए, हमेशा तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब सारी ऑर्डर कर लेते हैं ताकि रख देते, पर अभी ये भी टेंशन होती है ज़्यादा ऑर्डर कर लिया तो सब्जी ख़राब भी हो सकती है। तो बस थोड़ी बहुत सब्जी लेके आए और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। और घर आने के बाद में ये देखो घर मैंने एकदम बढ़िया से चमका दिया था, सफाई करने के बाद में तो जो मेरे को जो अंदर से जो खुशी होती ना मैं, हाँ मज़ा ही आ जाता है। तो अभी सिमरन थी नहीं और मेरा कुछ ज़्यादा स्पेशल बनाने का मन कर नहीं रहा था, तो बस मैंने सोचा क्या करूँ। तो मैंने सोचा जैसे कि आप सबको पसंद है मुझे पोहा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बस मैंने पोहा बनाया। तो पोहा में कड़ी पत्ता हो तो मुझे मज़ा ही आ जाता है बस। तो मैं एक अकेली थी तो मैंने अपने लिए पोहा बनाया, क्योंकि मुझे पोहा ना कभी भी दे दो, तुम दिन में दे दो, रात को दे दो, सुबह दे दो, कभी भी मैं पोहा खा सकती हूँ, लेकिन पोहा मुझे अपने ही हाथ का पसंद है। मैं थोड़ा सा चीनी वीनी डाल के पोहा खाती हूँ। तो बस मैंने पोहा बनाया, फिर मैं सोच रही थी चाय बनाऊँ, लेकिन चाय कैसे बनाऊँ, अदरक ख़त्म हो गई थी और अदरक के बिना मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, तो फिर दही रखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लस्सी बना लेती हूँ साथ में, तो बस अब ये पोहा खाती हूँ और मैं साथ में लस्सी पीती हूँ। फाइनली गैस भी हमारा आ चुका है, उससे पहले मैंने नहा लिया, मैंने फिर से वही कल वाली टी शर्ट पहन ली। तो प्लीज़ मुझे ये मत बोलना कि तुम यही टी शर्ट पहनती हो, घर में ना मैं यही टी शर्ट पहनती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज़ है तो मुझे बहुत पसंद है। और अभी ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं करता क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो मुझे जैसे कि आप सबको पोहा बहुत पसंद है तो मैंने बनाया था ये पोहा, तो मैं अपना पोहा इन्जॉय करती हूँ, आप मेरा ब्लॉग इन्जॉय करें, आई होप आपको अच्छा लगे। और पोहा सच में बहुत टेस्टी बना, मैंने अंदर टेस्ट किया था। बाय बाय।